हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीबॉडी। वैसे भी ये ब्लॉग तो नेक्स्ट डे जाएगा, जो भी हो, आज हमारे घर में काम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं सुबह सुबह नहा के आ गई हूँ और सोचा कि थोड़ा अगरबत्ती जला के दे दूँ, क्योंकि कुछ शुभ काम शुरू होने से पहले हम लोग करते ही है पूजा, तो मैंने अगरबत्ती जला के दे दिया है। और अभी सोचा कि एक बार आप लोगों को ये वाला घर दिखा दूँ। देखिए ना कैसा लग रहा है, मैं इस घर को कितना सुंदर से सजा के रखती थी। बहुत ख़राब लग रहा है मुझे इस हालत में देख के, लेकिन क्या हुआ, मैं इसी आशा में कर रही हूँ कि और भी अच्छा होगा। लेकिन ये दोपहर का टाइम है, मैं बीच में रेंटेड हाउस में चली भी गई थी, खाना बना के आई हूँ, अभी फिर से आई हूँ, तो सोचा एक बार आप लोगों को वीडियो करके दिखा दूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बजाए 4:30 और थोड़ी देर पहले ही हम लोग खाना खा के उठे हैं और खाना खाने के बाद हम लोगों का एक प्लान बन चुका है। जा रही हूँ आज घूमी घूमी, ये सब देखिए, फिर से घर से ये जो मेरा गार्डन में था आज ये आया, नीचे वो जो मेरा हमेशा आप लोग देखते थे सोफ़ा कम बेड, वो आया, लेकिन वो उठा नहीं पाई हूँ, मैं जाते वक्त आप लोगों को दिखाऊंगी। ये आया और अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा बाहर। बाहर इसलिए जा रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है और ऊपर से प्लानिंग आज देवरानी और देवर हम चारों मिलके जा रहे हैं, वो भी आज घर पे ही है, तो सुबह हम लोग प्लान बना रहे थे कहीं आसपास घूम के आए, देखते हैं अभी, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। पार्किंग का लॉट है, बेसमेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो सोफ़ा का बैग था हम लोगों का ये रखा है और प्लास्टिक लाके कवर करना पड़ेगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन मैंने बैकग्राउंड का साउंड म्यूट नहीं किया, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा लग रहा है ना ये गाना सुन के। जो भी हो, ये एक हरे कृष्ण मंदिर है जो कि हमारे घर से 23 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ गुवाहाटी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे ये मंदिर है, बहुत सुंदर है, मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही देखिए, इतना अच्छा लगा कि मन खुश हो गया। मतलब हम लोग निकल के ये प्लान बनाए, इसलिए मुझे पहले पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। ये हरे कृष्ण मंदिर है और भीड़ तो हमेशा ही रहता है, 1 जन को भी आए थे बहुत भीड़ था। और ये देखिए पूरा मंदिर, जो मेन मंदिर है इसमें जगन्नाथ प्रभु सब का मूर्ति, बहुत सुंदर ये मंदिर है। प्रेम ठाकुर को नीचे नीचे
आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि दूर है थोड़ा। और ये है मेरी देवरानी। एक दिन आमने सामने मैं आप लोगों के साथ इंट्रो करा के दूंगी। आज तो मंदिर में हुआ नहीं, तो जो भी हो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और थोड़ा नीचे भी जाके थोड़ा इधर उधर घूम के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए हैं। आके जस्ट मैंने ड्रेस चेंज किया, हाथ पाँव धोया, लेकिन मुंह नहीं धोया क्योंकि ये जो टीका लगाते हैं ना उस मंदिर में, हरे कृष्ण मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली फर्स्ट जैन को भी हम लोग गए थे, तब मैंने नहीं लगाया था। मैं इतनी पापी हूँ क्योंकि घूमने जाऊँगी बोल के मैंने वहाँ से और घूमने जाऊँगी बोल के मैंने और ये टीका नहीं लिया था, लेकिन मेरा मन बहुत था लगाने का, तो इसलिए आज लगा लिया। अच्छा लग रहा है ना, कुछ अलग से ही फीलिंग होता है ये टीका लगाने से। तो इसे धोने को मन नहीं कर रहा है, धोंगी अभी, धोना तो पड़ेगा ही। जो भी हो फ्रेंड्स, ये मंदिर ना शाम के टाइम ही बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब गए थे दिन में इतना अच्छा तो लगता ही है, पर ये लाइटिंग नहीं था। आज ये लाइटिंग देख के बहुत अच्छा लगा। और एक दिन जाऊंगी कि शांति से जाके बैठ पाऊँ। आज तो ऐसे ही देवरानी ने सडनली सुबह प्लान किया कि चलो चलते, इसलिए हम लोग चले गए। एक दिन प्लान करके जाऊंगी, वो भी बोल रही थी हम दोनों की पूजा देने, वहाँ पे पूजा नहीं, ऐसे ही बाहर मिलता है डाली जैसा, वो देना पड़ता है वहाँ पे और कुछ नहीं, तो एक दिन वो देने के लिए ही जाऊंगी, सोचा है, देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का छोटू सा एक ब्लॉग, जो कि आप लोगों को तो अच्छा लगना ही चाहिए, इतना सुंदर मंदिर जो दिखाया मैंने आज, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और फिर मिलूंगी और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।